पर लड़ाई करके आ सकता है। राजा को मालूम नहीं है तो मैं परमानेंट तख्त में बैठेगा। एक शहर में राजा राज करता था, 25 वर्ष के बाद राजा को देखा मिलता था तो जंगल में चलेगा। वो बेचारा जो राजा आता था वो रोके और चला जाता था, उठने के टाइम रोता था। एक राजा आया, बोला मेरे तिजोरी में कितना पैसा है, चिंग जितना खर्च उतना है, चिंग बताओ तो सही कितना पैसा खर्च करेगा, चिंग जितना भी तू खर्च कर, चिंग अभी से ये जंगल जो मेरा है जिधर मेरे को 25 बरस के बाद जाने का है, वो जंगल की सफाई करो। उसने जंगल की सफाई किया। जिस टाइम राजा उतरता है अपनी राजाई से तो जंगल में जाने के टाइम वो खुश होके रहता है, खुश होके चलने लगा तो सब लोग बोलने लगा, सब राजा आते हैं रोते हैं, ये क्यों? चीज इसने जो भी मनी थी, जो भी एनर्जी थी सारी उसमें गवाई, तो जैसे मैं आगे अच्छी तरह से रहूं। तो जो राजा विवेकी होगा उसको मालूम है, तो कहीं राजा आया कहीं राजा चले गए तो हमें इधर परमानेंट नहीं रहेगा, उसको मालूम है। मूर्ख को नहीं मालूम है पर सबको मालूम है। तो ये राजा कल भी छूट सकती है राजाई, क्योंकि राजा के ऊपर राजा चढ़ाई करता ही रहता है, लड़ाई हमेशा होती रहती है। जैसे पाकिस्तान हिंदुस्तान का हमेशा बॉर्डर पर क्यों सिपाही बैठी है, तो उसको मालूम है ना, तो ये परमानेंट नहीं है। तो राजा सुखी कैसे हुआ, उसको तो सपने में भी शांति नहीं है। जो भी राजा होगा, जो भी बड़ा आदमी होगा, उसको सपने में भी शांति नहीं है तो कैसे समझती है। तो उसको प्राग से राजाई मिली तो उसको भोगना चाहिए, उसको नींद नहीं करना चाहिए। राजा को जितनी बड़ी कुर्सी है उतना बड़ा डेंजर है, और हमारी कुर्सी नहीं है, हम तो हम ही है, हम तो बिफोर गॉड वाज है। क्योंकि जो तुम्हारा कल्पना में भगवान है, तुमने पहले जो मंदिर मरी में भगवान देखा, आज तुम उसका दर्शन करके तृप्त होगा, क्योंकि आज तुम्हारी वृत्ति खराब हो गई। क्यों खराब हुई? अभी जहाँ जाएगा बोलेगा ये जो किसी आदमी ने चित्र का भगवान बनाया, ये तृप्त होगा क्योंकि आज तुम्हारी वृत्ति खराब हो गई। क्यों खराब हुई? अभी जहाँ जाएगा बोलेगा ये जो किसी आदमी ने चित्र का भगवान बनाया। हम एक शराब के दुकान में गया तो एक सहेली मेरे को मिली, तो उसको उस शराब ने बुलाया, ठीक जल्दी आओ हमारा हिसाब खलास करो। मुझे क्या खरीद किया जी? मैंने 15 रुपए का गणेश भगवान खरीद किया, मुझे 15 रुपए में भगवान मिलता है? तो वे सब हैरान होने लगा जो भी दुकान में बैठे थे, जी 15 रुपए में भगवान मिलता है मुझे? फिर तो मैं सबको बताएगा इधर 15 रुपए में, फिर ये लोग जो तपस्या करते हैं, जो ऋषि मुनि जंगल में जाते हैं, जो अपने को वैराग देते हैं, त्याग करते हैं, ये क्यों करे? क्यों ना 15 रुपए का भगवान ले? जी आपने जो बात किया तो हमको तेरे पास आना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। तो रियल भगवान तुम आप क्या बोलते हैं? तो तुम देखो तो सबके अंदर में लाल है ना, काली किसको कोई सपने से जगाए, सपने से जगाए गुरुजी। तुम सपने से जागते नहीं है, और तुम सपने में बैठ के सच समझता है तो ये भी है ये भी है, है नहीं है उसको बोलो जो तीन काल में सत्य है। जागृत तो दो सत्ता देने वाला भगवान, सपने में सत्ता देने वाला आत्मा, और गहरी नींद में भी सत्ता देने वाला आत्मा। तो सत्ता जो पावर है, जो एग्जिस्टेंस है, जो पावर है वो भगवान का है, तू क्या है? तू तो कुछ भी नहीं है। राजा भी एक सेकंड में मर भी सकता है। एक राजा तुमको मैला दिखाएगा, बोलेगा तुम पसंद करो मैंने मैला ठीक बनाया है, अच्छा बनाया है। तो एक आदमी किसके घर में गया, बोला मैला तो ठीक बनाया है पर मौत की खिड़की नहीं बंद की है, इस राजा में भी तुम्हारा मौत आ सकता है। बेचारा डर गया, जी मेरे को तो तुमने अपसुगन में डाल दिया, मैंने तुमको बुलाया तुम सत्संग कर, और मेरी राजाई देख, मेरा ये देख, तुमने मागी बोला मौत की खिड़की नहीं बंद किया है, ये क्या तुमने बताया? तो देखो संत के पास हमेशा विवेक विचार है, और दुनिया के अज्ञानी के पास विवेक विचार बंद है। तो विवेक और विचार की चाबी गुरु के पास है, जब गुरु विवेक और विचार खोलेगा तब तू समझ में आएगा। अभी तुम्हारा विवेक विचार खुला नहीं है, तभी तू बोलता है राजा सुखी बैठा है, राजा प्रारब्ध में बैठा है तो क्यों ना सुख ले? वो जैसे सपने में सुख भोग रहा है, जागेगा तो वो सुख शब्द सब खलास हो जाएगा। तो तुम देखो सुख जो है वो इंद्रिय का सुख है, वो पैसे का सुख है, तो पैसे के बिगड़ बताओ, तो पैसे के बिगड़ कौन सा सुख